उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि प्रदेश में निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में निर्यात उत्तर प्रदेश का दुगना हुआ है। हमारा प्रदेश विश्व प्रसिद्ध भदोही कालीन क्लस्टर, वाराणसी सिल्क क्लस्टर सहित भारत के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा फैब्रिक उत्पादक है। फैब्रिक उत्पादन, कताई, बुनाई, परिधान डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग के कई अवसर प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी है, जहां देश के प्रमुख आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के साथ ही अनेक नैसर्गिक स्थल हैं। ये सभी स्थान बड़ी संख्या में ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश और विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके दृष्टिगत पर्यटन भी एक प्राथमिक सेक्टर है, जिसमें प्रदेश निवेशकों के लिए सहयोग का एक प्रमुख गंतव्य हो सकता है। हमारी सरकार नई पर्यटन नीति के माध्यम से रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, क्राफ्ट सर्किट जैसे अनेक नए पर्यटन गंतव्यों का विकास भी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटीएस सेक्टर में उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 45% योगदान का गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। यहां भारत के मोबाइल कंपोनेंट के लगभग 55% निर्माता हैं। भारत के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं। 200 से अधिक ESDM कंपनियां प्रदेश में स्थित हैं। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तेजी से भारत का डाटा सेंटर के प्रमुख हब के रूप में भी उभर रहा है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत सरकार द्वारा राज्य को लीडर स्टेट्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7,600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं तथा 6 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में IIT कानपुर, IIT BHU, IIM लखनऊ सहित उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति, वेंचर कैपिटलिस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, डेवलपर्स एवं स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ उत्तर प्रदेश में एंजल इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए डिफेंस एवं एरोस्पेस वैल्यू चेन में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए असीम अवसर उपलब्ध हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, R&D एवं इनोवेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। पूरे राज्य में संचालित 72 से अधिक विश्वविद्यालयों तथा 169 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी युवा जनसंख्या का प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास संस्थानों एवं एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए व्यापक अवसर भी प्रदान करता है। इस लाभ में वृद्धि के लिए राज्य में कई औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार अनेक औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से विकास भी कर रही है। भारत में विकसित किए जा रहे दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से
एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, या उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट के 6 नोड्स में डिफेंस सेक्टर में निवेश एवं व्यापार के विविध अवसर प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अलीगढ़ नोड का उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि अन्य नोड्स में भूमि आवंटन का कार्य प्रगति पर है। डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स जैसी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में ही गारमेंट पार्क, अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों का भी विकास किया जा रहा है। हमने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन करके एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा भी प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारी नीतियों के अंतर्गत मुख्यतः राज्य में उद्योग विशिष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, R&D तथा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? हर सेक्टर में अलग अलग तरह से निवेशकों को लाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की गई है और ये कोशिशें अब तक सफल रही हैं, ये बता रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।